सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर फ्रॉक बनाएंगे फॉर 3 ईयर बेबी के लिए। यहाँ पे मैंने फ्रॉक के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड करेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे 2 इंचेस और यहाँ से आर्म होल नेक की लंबाई हमें लेनी है 2.5 इंचेस। राउंड सब देते ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 3.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस। और कमर की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। आर्म होल साइड हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और नेक से लेके आर्म होल तक इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल से नीचे का लेंथ हम लेंगे 5 इंचेस है। इसी नाप के बैक पार्ट की टॉप हम कट करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर हम टॉप पार्ट रखेंगे फ्रंट का और आर्म होल से नीचे मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह यह पीस हमने कट कर लिया है। हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट के 2 लेयर लिए हैं जिसकी लंबाई हमने ली है 16 इंचेस। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट का 2 पीस लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट होगा। इसे इस तरह 2 फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग साइड से हमें आउटसाइड 2 इंच पे मार्क करना है। ऊपर नीचे इस तरह मार्क कर लेंगे 2 इंच पे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। सेंटर में दूसरा पीस आएगा। सेंटर वाला पीस हमने लिया है। जिसकी लंबाई हमने ली है 5.5 इंचेस और चौड़ाई हमने ली है 10 इंचेस। इस पीस पे हमें इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक को इस तरह खींच के इस तरह हमें अटैच करनी है। इस इलास्टिक की पीस हमने बना ली है। इस तरह की 5 स्ट्रिप हमने ली है जिसकी लंबाई है 4 इंचेस।
इस 5 स्ट्रिप को हमें इस तरह स्ट्रिप पे अटैच करनी है, इस तरह खींच के सिलाई लगा के अटैच करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरह फैब्रिक के ऊपर इस इलास्टिक को खींच के सिलाई लगा दी है। अब इस पीस को हमें इस दोनों पीस के साथ अटैच करना है। दोनों पीस के ऊपर की बॉर्डर को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इसके बाद सेंटर वाले पीस के साथ अटैच करना है। इस तरह बॉर्डर पे हमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह दोनों पीस को हमें अटैच कर लेना है। तो बैक पार्ट हमने रेडी कर लिया है, सेंटर में इलास्टिक वाला पार्ट आएगा। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसके साथ लाइनिंग फैब्रिक हमने ली है। फ्रंट पार्ट के राइट साइड इस लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह रखेंगे और दोनों तरफ का आर्म होल और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है, अब हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। टॉप पार्ट के साथ हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने बॉटम का पार्ट लिया है, इस तरह के दो लेयर है बॉटम पार्ट के। इसके ऊपर के बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। दोनों लेयर में हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके हमें इस तरह खींचना है और इस तरह की गैदरिंग हमें दोनों लेयर में बनानी है। दोनों पार्ट की गैदरिंग हमने बना ली है। अब फ्रंट का टॉप पार्ट हमने लिया है, इसके नीचे के बॉर्डर पे पाइपिंग बनानी है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह मैंने बड़ी पाइपिंग बना ली है। अब टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। इस बैक का टॉप पार्ट को इस तरह उल्टा रख के बॉर्डर पे सिलाई लगानी है और फ्रंट पार्ट का टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह रख के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। टॉप बॉटम को हमने अटैच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 2 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 11 इंचेस। सभी स्ट्रिप को हमें इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इसे राइट साइड टर्न कर लेनी है। तो इस तरह मैंने सभी स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के शोल्डर पे अटैच करेंगे। दो दो पीस को हमें इस तरह अटैच कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में हमने ये चारों स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इसे बैक पार्ट में भी अटैच करना है। बैक पार्ट में हमें इसे क्रॉस में इस तरह अटैच कर लेना है। इस तरफ की डोरी को हमें इस तरह दो दो डोरी को मिलाना है क्रॉस में और इसे हमें अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक पार्ट में हमने डोरी को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट का और बैक का राइट पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेनी है। दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और इस बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इस फ्रॉक को हमें राइट साइड टर्न कर लेना है।
फ्रंट पार्ट है ये, और ये है बैक पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में हमें वो अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के दो पीस लिए हैं जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 8 इंचेस। इसे सेंटर में से इस तरह टू फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है और नीचे ओपन है। ओपन साइड से सेंटर में हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन रख के इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर में हमने 1 इंच का स्पेस रखा है और यहाँ से हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस पीस को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब बारीक इस तरह की चुन्नट बना के हमें सेंटर में स्ट्रिप को इस तरह राउंड में लपेट के सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब इस बो को हमें वन साइड यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो ये है फ्रॉक का बैक पार्ट। फ्रॉक का फ्रंट पार्ट। तो फाइनली यह डिज़ाइनर फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है फॉर 3 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।